नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और हम लौट आए हैं ट्रेलर, एक और ट्रेलर रिएक्शन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग साथ में मिलके स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ट्रेलर देखने वाले हैं, जो एक दो दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, और एक क्लियर बात बता देता हूँ, ये टीनेज फिल्म है और मैंने टीनेज फिल्म्स ऐसी देखी नहीं है। ओके, पहले बहुत पहले देखी होगी, लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो आई थी वन पार्ट वन, वो मैंने नहीं देखी थी। ठीक है, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मुझे इतना पता है कि टाइगर श्रॉफ है और शायद दो हीरोइन है, उनका भी कुछ आइडिया नहीं, कोई पता नहीं है मुझे। ठीक है, मैं दूर हो गया हूँ फिल्मों से, वैसे ही पता है। और टाइगर श्रॉफ, ये जो नए हीरो हीरोइन आए हैं, इनकी मैंने फिल्में देखी भी नहीं है। ठीक है, तो मैं टाइगर श्रॉफ का स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आने वाली है, उसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है और आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर ट्रेलर को स्टार्ट करता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, थोड़ी सी नॉइज़ हो रही है क्योंकि आज सैटरडे है और यहाँ सामने बार जैसा है, वहाँ लोग बैठे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की नॉइज़ है, मैनेज कर लीजिए आप लोग। तो ये ट्रेलर स्टार्ट। गुड मॉर्निंग धर्मा प्रोडक्शन। आई डिक्लेयर द 29th एनुअल इंटर कॉलेज डिग्निटी गाला ओपन। लाइफ अगर मैदान उसे दो हिस्सों में डिवाइड करो, एक में सपने, दूसरे में असलियत, जिसे पार वही करता है जो भरोसा किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर करे। सॉलिड बॉस, बॉडी शॉट एकदम कड़क है। क्या बात है, चल चल तू भी बोले बेटा, दिन तेरा था, साल मेरा होगा। एक बार मैं डांस कॉम्पिटिशन जीत गई हूँ, अंदर भी नोट आनेगा, अपना हर ड्रीम पूरा करके रहूंगी। मैं तो रॉन्ग गर्ल, टफ ऑफ। अब हो गए लेडीज का, क्या नाम? प्रिंसेस। ड्रेस साले रजनी मिल तो गजनी बन गया। अरे मृदुला, तू क्या बकरी लेडी बन गई? तो भी खत्म नहीं हो दोस्त, जिस दिन कबड्डी कबड्डी कहते हुए तेरे पाले में कुछ सुन, तेरी इज्जत के साथ साथ तेरी पहचान को भी हवा में उछाल दूंगा। ओके दोस्तों, तो हमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ट्रेलर देख लिया है और मेरा रिएक्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। और ट्रेलर इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, बहुत बढ़िया लगा मुझे जो ट्रेलर है इसमें। ये मुझे वैसी फिल्म टाइप लगी है जो गुड बॉय बैड बॉय था ना, कि भाई स्कूल कॉलेज की, उसमें हीरो है, उसमें विलन है, स्कूल में ही विलन है ना, फिर उसमें लव स्टोरी है। ठीक है, तो उस टाइप की फिल्म लग रही है, जैसे मोहब्बतें आई थी शाहरुख खान की। ठीक है, तो उससे मिलती जुलती थोड़ी सिमिलर, मतलब उस लाइन की लग रही है। मैं ये नहीं कहूँगा, कोई कॉपी वॉपी नहीं कह रहा, उस टाइप की कहूँगा मैं। ठीक है, तो ट्रेलर क्वाइट इम्प्रेसिव है, बहुत बिग बैनर ने बनाई है इसे, धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर, और
फॉर श्योर अगर वो लोग बनाएंगे तो बहुत बहुत खर्चा होता है, बहुत बिग बजट मूवी होगी, है ना, और बिग बैनर है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे ट्रेलर काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है, अच्छा लगा, और ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि फिल्म जो होगी वो एंटरटेनिंग होगी, मतलब बोरिंग नहीं होगी, ठीक है। और टाइगर श्रॉफ का जो बॉडी शॉडी है, लुक्स हैं, वो सब बहुत बढ़िया लग रहा है, वो मतलब वो पुराने जो शाहरुख खान टाइप की जो फिल्म्स आती थी ना, जैसे वो कुछ कुछ होता है करके आई थी, तो वो उस टाइप का ये फिल्म थोड़ी लग रही है। तो टीन एज और कॉलेज वाली ये जो फिल्म्स आपको अगर इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो, ट्रेलर तो टोटली पास है, फिल्म देखने लायक होगी, इंटरेस्टिंग है, ओके। अगर आप लोग देखना चाहें तो देखें, ट्रेलर तो मुझे अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करके बताएं ट्रेलर कैसा था। और मुझे वही सब याद आ गया मेरा जो बचपन में फिल्म देखी थी, कुछ कुछ होता है, और उसके बाद वो थी गुड बॉय बैड बॉय और मोहब्बतें स्कूल और वो सब वाली कॉलेज वाली, तो क्वाइट इंटरेस्टिंग। दोस्तों कमेंट करके बताएं ट्रेलर कैसा लगा, वो मेरा रिएक्शन कैसा लगा, और ये पहली बार ही देख रहा था आप लोगों के साथ, पहले से नहीं देखा था ताकि असली रिएक्शन आए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए राजा भैया ब्राज़ील वाले को, और साथ में साइड में जो बेल आइकॉन दिया है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुँचें।